टॉपिक नंबर 15.4 इज़ द डीसी मोटर. सो अब जो डीसी मोटर है वो क्या करती है. डीसी मीन्स डायरेक्ट करंट, ठीक है. एंड डीसी मोटर में हमारे पास क्या होता है कि हम लोग उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं जो कि एक काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है. जिसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट चीज़ों की यानी डिफरेंट एप्लीकेशंस में उसको यूज़ करते हैं. लाइक रोटेशन कहाँ पे होती है, फ़ैन के अंदर होती है. सो हम पीछे से क्या दे रहे होते हैं, बेसिकली एक जो है एनर्जी दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी. एंड देन वो हमें किस तरह से मिलती है, एक काइनेटिक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में. इसी तरह हमारे पास और भी बहुत सारी डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. सो हम लोग डीसी मोटर को स्टडी करेंगे जिसका बेसिक प्रिंसिपल जो है वो किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है. इट डिपेंड्स ऑन द टर्निंग इफेक्ट ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल इन द मैग्नेटिक फील्ड, जो कि हमारा लास्ट आर्टिकल था 15.3, ठीक है. उसमें हमने स्टडी किया था कि अगर हम एक करंट कैरिंग लूप को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर जो फोर्स प्रोड्यूस होगी वो टर्निंग इफेक्ट कॉज करेगी, जिसकी वजह से कॉइल जो है उस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रोटेट करना स्टार्ट कर देगा. तो उसी को हम फर्दर आगे एक्सप्लेन करेंगे कि मोटर्स में वो किस तरह से वर्क करता है एंड हमारे लिए वो किस तरह से हेल्पफुल है. सो जो हमारी डीसी मोटर है उसमें हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं. हमारे कंपोनेंट्स कौन से हैं, आर्मेचर एंड ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास नंबर ऑफ कॉइल्स या जो इस तरह से अगर हम एक कॉइल ले रहे हैं तो उसमें जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं इससे क्या बन रहे है? ये हमारे लूप्स हैं, ठीक है. एक सिंगल चीज़ है यूँ तो इसको लूप कहते हैं. सो नंबर ऑफ अगर हमारे पास लूप्स हो जाएंगे तो उसको हम कॉइल्स या आर्मेचर बोलते हैं, ठीक है. सेकेंड थिंग जो हमारे पास डीसी मोटर का कंपोनेंट है दैट इज द कार्बन ब्रशेस या सिंपल ब्रशेस, ठीक है. सो एक हमारे पास ब्रशेस होते हैं, देन हमारे पास स्प्लिट रिंग्स होते हैं, स्प्लिट रिंग्स एंड हमारे पास मैग्नेट होता है, ठीक है. मैग्नेट, सो मैग्नेट हमारे पास क्या होता है, हमारे पास जो मैग्नेट है वो परमानेंट मैग्नेट भी हो सकता है, वो हमारे पास जो टेम्परेरी मैग्नेट जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट जिसे कहते हैं वो भी हम यूज़ कर सकते हैं. सो मैग्नेट किसी भी तरह का हो सकता है, टेम्परेरी या परमानेंट, ठीक है. क्योंकि हमें जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवानी है वो चाहे हम टेम्परेरी से करवा लें चाहे हम परमानेंट से करवा लें, ये हम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है. देन हमारे पास ब्रशेस आ जाते हैं. ब्रशेस किस तरह के होते हैं, अभी जब हम उसको डिज़ाइनिंग में देखेंगे देन हमें पता चलेगा. स्प्लिट रिंग, स्प्लिट नाम से पता चले ये हाफ है, ठीक है. यानी एक अगर पूरी चीज़ है उसको हाफ कर दिया जाए तो हम कहते हैं ये स्प्लिट हो गई है, ठीक है. उसको डिवाइड हो गई है दो हाफ में या जितने भी. तो इस तरह के ही हमारे पास रिंग होते हैं, यानी एक पूरा रिंग है जिसको स्प्लिट कर दिया जाता है हाफ में से. तो ये इस तरह से हमारे पास ये जो बनते हैं दैट इज़ कॉल्ड द स्प्लिट रिंग्स, ठीक है. उसके नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ये रिंग जो है वो स्प्लिट हो रहे हैं टू पार्ट्स के अंदर, ठीक है. सो ये हमारे बेसिक कंपोनेंट्स हैं जो कि हम डीसी मोटर को बनाने के लिए यूज़ करेंगे. अब क्या करना है, जिस तरह हमें कहा गया है कि हमें क्या चाहिए, मैग्नेट चाहिए, ठीक है. सो मैग्नेट को प्लेस कर लेते हैं, ये मैग्नेट आ जाएगा, ठीक है. देन हमें क्या चाहिए, इसको हम इसी तरह से बना लेते हैं, इस तरह थोड़ा कर्व फॉर्म में दिया हुआ है. सो हम बुक की तरह ही इसको ड्रॉ कर लेते हैं. ये हम नॉर्थ पोल दैट इज साउथ पोल, ठीक है. देन हमारे पास क्या है, आर्मेचर जिसको हम कॉइल्स कहते हैं, यानी इसके अंदर हमने क्या रखा हुआ है, कॉइल को प्लेस किया हुआ है, ठीक है, इस तरह से. देन हमारे पास नेक्स्ट चीज क्या है, स्प्लिट रिंग्स या कार्बन ब्रशेस. देन हमने इसको स्प्लिट रिंग से कनेक्ट कर दिया, इस तरह से कर लें या डायरेक्ट इसी तरह से कनेक्ट कर लें. एंड देन ये हमारे पास इस तरह से ब्रशेस हैं एंड देन इसको कनेक्ट किया गया है फ्रॉम द
बैटरी. एंड साइड्स के नाम रख दिए हैं पी क्यू एंड आर एस. अब ये हमारे पास क्या है, ये सिमिलर टू द आर्टिकल नंबर 15.3 की डायग्राम की तरह ही है. बट जस्ट डिफरेंस कहाँ पे आया है कि अब हमने ब्रशेस और स्प्लिट रिंग्स को भी यूज़ किया है. और वो क्यों किया है उसके हम रीज़न देखेंगे. ये हमारे पास क्या चीज़ है, ये है आर्मेचर, दैट इज़ अ मैग्नेट, इट्स अ कार्बन ब्रश एंड दीज आर द स्प्लिट रिंग्स. एंड ये हमारे पास क्या है, दैट इज अ बैटरी. अब हम क्या करते हैं, हम पहले जस्ट इन दो चीजों को लास्ट आर्टिकल की तरह डिस्कस करते हैं. क्या होगा कि जब बैटरी ऑन की, ठीक है, बैटरी ऑन करने से क्या हुआ कि यहां से करंट पास आउट किया, ठीक है. इट मींस अब इस पोर्शन में क्या जा रहा है, करंट जा रहा है. एंड ये इस तरह से, एंड इसको एक रोटेटिंग शेफ्ट या इस तरह से इसके ऊपर प्लेस किए. अब ये क्यों किए कि लेट सपोज अगर हम किसी एक बुक की भी बात करें, ठीक है, अगर बुक को रोटेट करवाना है हम इसके सेंटर में एक रॉड प्लेस करेंगे ताकि ये यूँ रोटेट करती रहे, ठीक है. सो ये हमारा जो रोटेशन के लिए रॉड है, ठीक है, जिसको इस तरह प्लेस किया गया है ताकि हमारा कॉइल जो है उसके अराउंड मूव कर सके, रोटेशन क्रिएट कर सके. अब क्या होगा कि हमारा करंट जो है हम लोगों ने बैटरी के थ्रू प्रोवाइड किया, कन्वेंशनल करंट था इसलिए वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो करना स्टार्ट कर देगा इस तरह से, ठीक है. जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो परपेंडिकुलर होंगी क्योंकि ये करंट जो है वो हमारा जिस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है हमारी मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके परपेंडिकुलर होनी चाहिए. सो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो किस तरह होगी, नॉर्थ से साउथ की तरफ, इट मीन्स यू बिल्कुल स्ट्रेट जा रही हैं, ठीक है. करंट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, सो इस तरह कितना एंगल बन रहा है, दैट इज 90 डिग्री एंगल, ठीक है. सो ये हमारी बात बिल्कुल ठीक हो गई कि यहाँ पे जो हम जब भी हम लोग मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं तब हम कहते हैं कि करंट जो है वो ऑलवेज परपेंडिकुलर होना चाहिए मैग्नेटिक फील्ड के अंदर. सो हमारी जो डायग्राम है वो ये शो कर रही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर हैं करंट की डायरेक्शन के. नेक्स्ट थिंग, अब क्या है कि हमने इस तरह से, ठीक है, ये बात भी हमें पता चल गई कि दोनों चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. देन हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल को यूज़ किया जिसके अकॉर्डिंग हमने फाइंड आउट किया कि यहाँ पे चूँकि मैग्नेटिक फील्ड भी है, करंट पास आउट हो रहा है, सो यहाँ पे फोर्स भी प्रेजेंट है, ठीक है. और फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, वो इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी जो कि हम लोगों ने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से फाइंड आउट की. एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हमारा जो थंब है दैट विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है. हमारी जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को शो करेगी, एंड जो हमारी फोर फिंगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगी, एंड हमारी मिडिल फिंगर जो है वो डायरेक्शन ऑफ करंट को शो करेगी, ठीक है. सो अकॉर्डिंग टू द फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल हमारे पास जो फोर्स की डायरेक्शन है वो है अपवर्ड, ठीक है. किस तरह से, क्यों, क्योंकि हमारा जो हमने कहा मिडिल फिंगर करंट की डायरेक्शन को शो करे, सो करंट की डायरेक्शन क्या है, डाउन, ठीक है. देन ये जो फोर फिंगर है दैट रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस. सो इस तरह से ये हो गया, एंड ये तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, ठीक है. एंड अब ये जो थंब है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करे जो कि इसके भी परपेंडिकुलर है. सो फोर्स क्या होगी, आउटवर्ड यानी अपवर्ड डायरेक्शन में होगी. सो वो इस तरह से शो की जाएगी, ठीक है. सो यहाँ पे हमने क्या शो कर दिया कि ये सब चीज़ें एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं. देन ये तो हमारे पास पी क्यू साइड को हमने डिस्कस कर लिया. अगर हम आर एस साइड को देखें तो वहाँ पे भी क्या है कि फील्ड लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, करंट के. लेकिन अब करंट डाउनवर्ड जाने के बजाय अपवर्ड जा रहे हैं, ठीक है. इट मीन्स अब जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डाउनवर्ड हो जाएगी. एंड ये भी हमने फाइंड आउट किया बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है. अब एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ पे दोनों एंड्स पे डिफरेंट तरह से फोर्स लगाई जा रही है, यानी एक पे एक साइड पे अपवर्ड लगाई जा रही है, एक पे डाउनवर्ड लगाई जा रही है. तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इस रॉड के अलोंग जो है वो रोटेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है. अब क्या होगा कि अगर रोटेशन होगी, ठीक है, यहाँ पे डेफिनेटली होगी क्योंकि हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसको प्लेस किया है, तो क्या होगा कि रोटेशन 90 डिग्री के एंगल पे होगी. ये ऑब्वियस बात है क्योंकि करंट और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहने चाहिए, तभी हमारे पास जो है फोर्स का एलिमेंट आ सकेगा,
अगर ये 90 डिग्री नहीं है तो उसके अलावा हमारे पास आंसर जीरो आएगा, ठीक है. सो अब क्या होगा कि पहले ये रॉड बिल्कुल इस तरह से पड़ा हुआ था, ठीक है. अब इस रॉड ने इस तरह से रोटेशन कर दी 90 डिग्री पे, ठीक है. पहले इस तरह से था, लेट सपोज ये बिल्कुल इस तरह से. अब ये जब इस तरह जाएगा तो इसने क्या किया, 90 डिग्री, ठीक है. सो 90 डिग्री के एंगल पे इसने रोटेशन कवर कर ली और अब इसकी शेप किस तरह से हो जाएगी हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. इसको रफली ड्रॉ कर लेते हैं. अब ये इस डायरेक्शन में आ चुके हैं इस तरह से. स्प्लिट रिंग्स एंड देन एंड यहां पे हमारे पास कार्बन ब्रशेस हैं. यहां पे जरा ड्रॉ करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है इस चीज को. इस तरह से, ठीक है. सो एग्जैक्टली क्या होगा कि पहले इस तरह थी, अब बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल पे इसने रोटेट कर लिया, ठीक है. यहां पे क्या हो चुकी है, रोटेशन हो चुकी है. अब क्या हुआ, अब अगर इस तरह से हम देखें तो जो हमारा करंट है और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो प्लेन के क्या हो चुकी हैं, बिल्कुल पैरेलल हो चुकी हैं. प्लेन भी इस तरह से है, ठीक है. लेट सपोज अब हमारा प्लेन इस तरह से हो चुका है, ठीक है. प्लेन और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के क्या हो गई हैं, पैरेलल हो चुके हैं, ठीक है. अब यहाँ पे अगर पैरेलल हो चुकी हैं इट मीन्स कि करंट फ्लो नहीं करेगा. और अगर करंट फ्लो नहीं करेगा क्यों, क्योंकि वो एक दूसरे के पैरेलल हो चुके हैं, ठीक है. तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर रहे हैं तो यहाँ पे जो फोर्स है वो भी एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर देगी. क्यों, क्योंकि पहले हमने बात की थी कि ये टर्निंग इफेक्ट तब कॉज होगा जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे. अब इस केस में क्या हुआ कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं रही, ठीक है. अगर करंट भी इस तरह से फ्लो कर रहे तो ये वाली पोर्शन में इस तरह लेट सपोज एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी इसी तरह से. सो क्या होगा, ये एक दूसरे के पैरेलल हो चुकी हैं तो यहाँ पे फोर्स का एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा. और फोर्स क्या करेगी, एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल करती जा रही है. इट मीन्स ये 90 डिग्री पे आके स्टे कर लेगा, ठीक है. पहले इस तरह से था, अब ये जब इधर आया तो ये रुक जाएगा, मतलब स्टॉप नहीं होगा, लेकिन अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं कर रही. सो हमें क्या करना है, हमें तो इसकी पूरी रोटेशन चाहिए थी कि ये इस तरह भी जाता है एंड देन इस तरह भी वापस आता. सो इसकी इस रोटेशन को अगेन इधर लाने के लिए हमने क्या यूज किया है, हमने यहाँ पे स्प्लिट रिंग्स यूज किए और कार्बन ब्रशेस को यूज किया. अब इनका फंक्शन क्या है कि ये क्या करेगा, जो हमारे स्प्लिट रिंग्स है वो क्या करते हैं, कनेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, ठीक है. सो करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स होगी तो ये हमारा कॉइल ऑटोमेटिकली रोटेट करके अपनी पोजीशन पे वापस आएगा, बट इन द रिवर्स डायरेक्शन. अब वो किस तरह से होगा, जब हमने कार्बन ब्रशेस को अटैच किया, ठीक है, कार्बन ब्रशेस के साथ हमने स्प्लिट रिंग्स को अटैच कर दिए, ठीक है. अब यहाँ पे इसके साथ क्या बैटरी अटैच है, ठीक. अब जब ये रोटेट करके इस तरह आया यानी इस पोजीशन में आया तो कार्बन ब्रशेस का कॉन्टैक्ट स्प्लिट रिंग के साथ खत्म नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ये शिफ्ट हो जाएगा. यानी जो पहले इसको मिला था, लेट सपोज ये हमारी पी क्यू साइड है और ये आर एस साइड है, ठीक है. लेकिन जब ये रोटेट करेगा तो अब क्या होगा कि हमारी साइड जो है वो चेंज हो जाएंगी, यानी ये बन जाएगी पी क्यू साइड और ये बन जाएगी आर एस साइड, ठीक है. इट मीन्स कि अब आर एस वाली का कनेक्शन इस साइड पे आ चुका है, ठीक है, इस वाले स्प्लिट रिंग के साथ, एंड पी क्यू वाली का इसके साथ आ चुका है. सो करंट की डायरेक्शन जब रिवर्स होगी तब ये हमारा क्वाइल अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे यानी एक कंप्लीट रोटेशन को कवर करने के काबिल होगा. अभी तो हमने कहा कि यहाँ पे ये इस तरह से प्लेस हो चुका है, ठीक है. अब इसके ऊपर फोर्स एक्ट नहीं करी तो कौन सी ऐसी चीज है जो इसको यहाँ से इस डायरेक्शन में लेके आएगी. सो अगर हम बात करें क्यों, क्योंकि ये रोटेटिंग कॉइल की हम बात कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है. सो क्या करती है, बॉडी के अंदर इनर्शिया होते हैं, ठीक है. इनर्शिया क्या कहता है कि अपनी जो एबिलिटी है बॉडी, उस चीज़ का नाम, सॉरी इनर्शिया जो है वो एबिलिटी का नाम है
कि अगर बॉडी रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पे ही अपने आप को रखेगी, और अगर उसके ऊपर फोर्स लगाई जा रही है तो वो उस चीज़ को अपोज करेगी, ठीक है। अगर वो मूव कर रही है तो वो अपनी उस काबिलियत को यानी उस मोशन को कंटिन्यू रखना चाहेगी। यहाँ पे क्या हो रहा है, रोटेशन हो रही है, ठीक है। इट मीन्स कि अब बॉडी रेस्ट पे नहीं आ सकती, वो अपनी पहली स्टेट को ही कंटिन्यू रखेगी और वापस किस तरह से आ जाएगी, इस पोजीशन में, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अब चूंकि रोटेशन हुई है तो ये साइड जो है इस साइड पे आ गई, पी बन गई, ये क्यू बन गई, एंड अब ये आर और ये एस, ठीक है। जब वो मूव किए, इट मींस ये वाले जो हमारे स्प्लिट रिंग्स हैं, इन्होंने भी क्या किया, रिवर्स हो गए। ये वाला इस साइड पे आ जाएगा एंड ये वाला इस साइड पे आ जाएगा, जिसकी वजह से ऑटोमेटिकली बैटरी के साथ कनेक्शन रिवर्स होगा। रिवर्स कनेक्शन की वजह से बॉडी अगेन इस वाली पोजीशन से, लेट सपोज जहाँ पे हमें ये लिखा नजर आ रहे हैं सेकेंड ईयर यानी 12th, पहले ये इस तरह थी, अब ये इस तरह गई, अब क्या हुआ, ये बैक साइड हमें नजर आना स्टार्ट हो गई, ठीक है। अब बैक साइड जब नजर आई है, इट मीन्स कि ये साइड चेंज हो चुकी है, जो पहले ये साइड थी अब वो ये साइड बन चुकी है, एंड इसका कनेक्शन भी क्या हो चुका है, रिवर्स हो चुके। सो इस रिवर्स डायरेक्शन की वजह से क्या होगा, अगेन अब फिनोमेना प्रोड्यूस होगा, ठीक है। अगेन क्या होगा, इस साइड पे चूंकि करंट अपवर्ड जा रहे हैं, यहाँ से बैटरी से अपवर्ड करंट जा रहे हैं तो फोर्स डाउनवर्ड हो जाएगी, यहाँ पे डाउनवर्ड है तो फोर्स अपवर्ड हो जाएगी, अगेन रोटेशन प्रोड्यूस होगी एंड ये बॉडी जो है वो कॉइल इस तरह से आ जाएगा, फिर अगेन रोटेशन होगी तो कॉइल अगेन इस तरह से आ जाएगा। सो क्या होगा कि जब तक ये स्प्लिट रिंग्स को हम लोग कार्बन ब्रशेस के साथ अटैच रखेंगे और कार्बन ब्रशेस को बैटरी से सप्लाई मिलती रहेगी, तब तक ये ऑटोमेटिकली जो हमारा कॉइल है वो रोटेट करता रहेगा विद इन द मैग्नेटिक फील्ड, और इस रोटेशन की वजह से क्या हो रहा है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि हम थ्रू द बैटरी प्रोवाइड कर रहे हैं, चूंकि अभी बॉडी रोटेट कर रही है सो किसमें कन्वर्ट होती जा रही है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। सो हमारा बेसिक पर्पस डीसी मोटर को डिस्कस करने का ये था कि हम इलेक्ट्रिक एनर्जी को रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करें, एंड वो हमने किस तरह से किया कि स्प्लिट रिंग्स को यूज़ किया एंड कार्बन ब्रशेस को यूज़ किया, ताकि बॉडी जो है, जो हमारा कॉइल है, वो ऑल द टाइम अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता रहे, वो किसी भी पॉइंट पे स्टॉप ना हो, ठीक है। सो यहाँ पे जैसे हमारे कनेक्शन रिवर्स होंगे, अगेन बॉडी जो है यानी जो हमारा लूप है वो रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। सो ये था हमारा बेसिक पर्पस, एंड अगर हम लोग इस चीज़ को इन्हेंस करना चाह रहे हैं यानी रोटेशन को बढ़ाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हमें कौन कौन से फैक्टर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा, या तो हम करंट को इंक्रीज़ करें, ठीक है, या हम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज़ कर दें, या ये जो हमारी नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ लूप्स जिनको हम कहते हैं या टर्न्स, उनको इंक्रीज़ कर दें, या अगर हम इसका एरिया इंक्रीज़ कर दें, एरिया ऑफ द कॉइल को इंक्रीज़ कर दें, तब क्या होगा कि कॉइल ज़्यादा से ज़्यादा रोटेशन प्रोड्यूस करेगा। इट मींस कि इलेक्ट्रिक एनर्जी इंक्रीज़ करने से रोटेशनल एनर्जी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं भी इंक्रीज़ कर रहे, मैग्नेटिक फील्ड या कोई और फैक्टर को इंक्रीज़ कर रहे हैं, तब भी हम लोग रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज़ कर सकते हैं, और ये है हमारी डीसी मोटर।